बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, बल्कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ चिकन स्पैगेटीज प्लस मैक्रोनीज की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से टेस्टी से चिकन स्पैगेटीज बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्पैगेटीज और मैक्रोनीज को पानी और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसके अंदर बॉयल कर लिया है। देन नेक्स्ट स्टेप में मैं एक बड़ी सी पतीली के अंदर ऑयल लूंगी, उसके अंदर मैंने थोड़े से ग्रीन अनियंस डाल लिए। आप चाहें तो दूसरे वाले अनियंस भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रीन अनियंस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसका जो व्हाइट वाला पार्ट था मैंने इस वक्त वो लिया है। अच्छा, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और जैसे ही ये प्याज अपना कलर चेंज कर लें तो इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर लिया। इस चिकन को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स की शेप में काट लिया है। आप चाहें तो अपनी मर्जी से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं शेप, थोड़े से बड़े पीसेस भी रख सकते हैं, और अगर चाहें तो उसको बिल्कुल रेशा रेशा की जो फॉर्म होती है उसमें भी डाल सकते हैं। लेकिन इस तरह से जब आप फ्राई करेंगे ना चिकन को इसके अंदर, तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। अगर आपको रेशा रेशा चिकन चाहिए तो उसके लिए आपको चिकन को पहले बॉयल करना होगा, देन उसके बाद इस स्टेप में आप उसको रेशा रेशा जो चिकन होगा उसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बस क्यूब्स की शेप में चिकन ले रही हूँ। इसको मैंने फ्राई करना है अच्छी तरह से। जब इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन अच्छी तरह से पक जाए, फ्राई हो जाए, तो देन इसके अंदर मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा ऐड करूँगी, साथ में जो हमारे स्पाइसेस हैं वो सारे ऐड कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर सॉसेज आ जाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर सिरका जाएगा 2 बड़े चम्मच, और जो खाने वाले चम्मच होते हैं ना बड़े वाले जिससे हम सालन बनाते हैं, वो वाले मैंने डाले हैं। इसके अलावा सोया सॉस भी मैं डालूंगी, तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच बड़े वाले चम्मच, और उसके बाद चिली सॉस भी इसके अंदर जाएगा 2 चम्मच। तो बाद में अगर आपको इन चीज़ों की क्वांटिटी कम ज़्यादा लगे, ज़्यादा का तो खैर कोई हल नहीं है, लेकिन अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं मैंने। इसके साथ ही मैं यहाँ पर नमक डाल लूँगी हसबे ज़रूरत। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच नमक लिया था क्योंकि मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रही थी, और साथ ही तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे काली मिर्चें ऐड कर ली हैं। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से इसको मिक्स करूँगी, और थोड़ा सा बस मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड करनी है वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए सबसे पहले छोड़ दिया था मैंने, ताकि चिकन के अंदर ये जो स्पाइसेस हैं इसका टेस्ट अच्छे से चला जाए। अच्छा, फिर स्टेज पे मुझे याद है इसके अंदर चिकन पाउडर भी थोड़ा सा डालना चाहिए, इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड कर लिया, देन उसके बाद अब इसमें जाएंगी वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स में सबसे पहले गाजर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है पकने में। सबसे पहले मैं गाजर ऐड कर रही हूँ, और गाजर को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स की शेप में काटा हुआ है। आप चाहें तो लंबी लंबी गाजर भी ले सकते हैं, दोनों तरह की इसमें जो है ना अच्छी लगती है। 3 से 4 मिनट पका लेने के बाद मैंने इसमें ऐड किए थे मटर, और मटर जो है ना वो ऑलरेडी बॉयल किए हुए हैं। अब मटर डाल लेने के बाद मैं थोड़ी देर इसको ढक के रखूंगी। जब गाजर अच्छे से पक जाए ना, तो देन इसके बाद मैं इसके अंदर शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड करूंगी, क्योंकि ये दोनों जो वेजिटेबल्स होती हैं बहुत कम टाइम लेती हैं पकने में, जल्दी से पक जाती हैं, तो इसलिए गाजर को आपने पहले अच्छे से पका लेना है। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे मैं इन तमाम वेजिटेबल्स को मिक्स करूँगी थोड़ी देर के लिए, और जब ये मिक्स हो जाए ना तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं ढक्कन रख के इसको दम पे रख दूँगी, ताकि ये शिमला मिर्च और बंद गोभी भी जो है ना अच्छे से पक जाए। तो बस ये तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर ये आराम से जो है ना तमाम वेजिटेबल्स बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएंगी। देन इसके बाद में यहाँ पर बॉयल की हुई जो मैक्रोनीस थी और जो स्पैगेटीज थी, तो ये ऐड कर लूँगी, और इसको ऐड करने के बाद थोड़ा सा बस मिक्स करूँगी, और मैं ढक्कन दे के इसको दम पर रख दूँगी। तकरीबन 5 मिनट हल्की आंच पे इसको दम देना है, और बस ये जो हमारी ज़बरदस्त से मैक्रोनीज है ना, ये बिल्कुल रेडी हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही इजी सिंपल से वे में जल्दी से बन जाते हैं। तो ज़रूर इसको अपने रमज़ान रेसिपीज़ में ट्राई कीजिएगा, और अगर आप मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं देसी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। तो जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।